हमीरपुर में छात्र संगठन NSUI ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन को तिरंगा सौंपा है। हमीरपुर उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने के पास NSUI के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मिशन तिरंगा को पूरा करते हुए तिरंगा को सौंपा है। साथ ही प्रशासन से मांग की है कि जल्द तिरंगा को सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान परिसर में स्थापित किया जाए। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान में तिरंगा नहीं लगाया गया था, जिसके चलते ही NSUI ने मिशन तिरंगा शुरू करके चंदा एकत्रित किया और 37,000 रूपए से तिरंगा बनवाया गया है। NSUI प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने बताया कि काफी समय से हमीरपुर में तिरंगा गायब था और प्रशासन के द्वारा भी लगाने में आनाकानी की जा रही थी, जिसके चलते ही NSUI संगठन ने अपने स्तर पर चंदा एकत्रित करके करीब 37,000 रूपए का तिरंगा बनवाया है, जिसे जिला उपायुक्त को सौंपा गया है। उन्होंने मांग की है कि जल्द बाल स्कूल खेल मैदान में तिरंगे को लगवाया जाए। साथ ही टोनी ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों को भी तिरंगा बनवाने में सहयोग देने पर आभार व्यक्त किया है। देखिए, यूं तो हर वर्ष NSUI कोई ना कोई कार्यक्रम चलाकर जो है वो फाउंडेशन डे मनाती है, लेकिन आज हम लोगों ने जो है वो मिशन तिरंगा आप लोगों को ज्ञात है और आप लोगों के माध्यम से बहुत बार पहले भी जो बॉयज स्कूल के ग्राउंड में जिला मुख्यालय में जो था वो तिरंगा स्थल जो था, तिरंगा स्मारक जो था, वहाँ पे तिरंगा गायब होने की बात उठाई थी और हम लोगों ने पिछले वर्ष जो है वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन कुछ कोविड की प्रॉब्लम आ जाने की वजह से, कोविड गाइडलाइन आ जाने की वजह से हम लोग इस कार्यक्रम को एज इट आगे नहीं कर पाए, लेकिन अब हम लोगों ने जो है आज इस मिशन को पूरा करके जो है वो हम लोग DC महोदय, DC जो हमारा जिला प्रशासन है, वहाँ जाकर हम लोग तिरंगा भेंट करने जा रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि इन सभी साथियों के सहयोग से, NSUI के मेरे परिवार के साथियों के सहयोग से हम लोगों ने जो है वो यह मिशन पूरा कर लिया है। और साथ ही हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात भी थी कि पिछले 1.5 वर्ष से जो था वो तिरंगा स्थल जो था बिना तिरंगे के जो था वो यहाँ पर था, कोई तिरंगा प्रशासन द्वारा नहीं लगाया गया। हम लोगों ने 6-7 बार ज्ञापन सौंपा तो उनकी तरफ से कभी कहा गया चंदा नहीं है, कभी कहा गया कि हमारे पास झंडा नहीं है, झंडा लगाते हैं तो जल्दी फट जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा नारा है कि तिरंगा ही हमारा धर्म है, ट्राइकलर इज़ अवर रिलीजन, तो हम अपने धर्म, अपना जो देश है उसकी जो आन बान शान है उसको, उसके लिए जो है हम लोगों के हमारे साथी जो है उन्होंने मिलकर सहयोग किया, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने पहले यहाँ से माप इनसे पूरा जो था वो, क्योंकि आपको पता है कि जो झंडा होता है वो 3:2 में जो है वो हमेशा जो है वो आता है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई जो होती है वो 3:2 में होती है। हम लोगों ने यहाँ से इनकी जो है वो हाइट, इन्होंने जो हमने, क्योंकि पोल के हिसाब से जो था वो झंडा लगना था तो ये 30 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा था और 24,000 से जो था वो तिरंगे की कीमत स्टार्ट थी, ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़ ऐसे करके था। हम लोगों ने जो था वो 37,000 रुपये का जो था वो तिरंगा लिया है और ये भी बी सीरीज़ का है, प्रदेश संगठन की ओर से 11,000 रुपये दिए गए हैं, बाकी हम लोगों ने खुद अपने स्तर पर जो है वो इकट्ठा किया। के बाद हमें प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप लोग तिरंगा ही दे देंगे तो हमारे लिए उचित होगा, तो हम लोगों ने फिर तिरंगा ही जो था वो दिया।